गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबका फिर से भारद्वाज जुडिशियल क्लासेस कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस फॉर सिविल जज एंड एपीओ एग्जाम्स एंड लॉ एस्पिरेंट्स में आप सबका स्वागत है। आज जैसा कि आप देखे होंगे टाइटल में लिखा है आर्टिकल 19, और आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 19 पर। जैसा कि हम लोग बात किए थे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 13 पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आर्टिकल 19 को पढ़ने के पहले। और आज का स्ट्रीमिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं या बाद में देखिएगा सुनिएगा, पूरा स्ट्रीमिंग को देखिएगा, क्योंकि आज इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाला है कि आर्टिकल 19 जो वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, आज हम उस आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे कि वह आर्टिकल आज कई गुना अधिक हो गया है। और वह उस आर्टिकल का रूप आज न्यायालय की सक्रियता के कारण, जुडिशियल एक्टिविटीज के कारण, आज आर्टिकल 19 अपने जो उस समय की जो ड्राफ्टिंग की गई थी उससे कई गुना अधिक हो गया है। तो उन केसेस के साथ आज हम लोग एस्टिमेट करने वाले हैं, और जो लेटेस्ट डिसीजंस हैं और लीडिंग केसेस हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसके साथ हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं आज के इस स्ट्रीमिंग में। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 19। और मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया है, आर्टिकल 19 को शुरू करने के पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल 33 को। आर्टिकल 33, जैसा कि आपको ज्ञात होगा आर्टिकल 33 के बारे में, आर्टिकल 33 क्या है, आर्टिकल 33 ये जरा देखिएगा, आर्टिकल 33 को देख रहे हैं हम लोग, आर्टिकल 33 के बारे में देख रहे हैं। ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं आर्टिकल 33। ये देखिए आर्टिकल 33 में कौन कौन लोग हैं जिस पर रिस्ट्रिक्शंस लगने वाले हैं। ये मेंबर हैं, ये देखिएगा, ये मेंबर हैं। आर्टिकल 33 पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 33 में ये मेंबर हैं और ये मेंबर हैं। कौन सा मेंबर है? और ये देखिएगा, ये इंटेलिजेंस वाले हैं, ये इंटेलिजेंस वाले हैं, ये कम्युनिकेशन सिस्टम में लगे हुए लोग हैं, कम्युनिकेशन संचार तंत्र में लगे हुए लोग हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम में लगे हुए लोग हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि आर्टिकल 33 वास्तव में पावर किसकी है। देखिए, आर्टिकल 33 में पावर है संसद की, पार्लियामेंट की पावर है। क्या है पावर साहब? संसद की क्या शक्ति है? देखिए, संसद लॉ बनाकर क्या शक्ति है? कानून बनाकर क्या करेगी संसद? कानून बनाकर फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। क्या कर सकती है? रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, एब्रोगेट कर सकती है, फंडामेंटल राइट को निर्बंधित कर सकती है या कम कर सकती है, छीन सकती है। डेरोगेट मतलब होता है कम करना, लेकिन एब्रोगेट मतलब कम छीन लेना, यानी फंडामेंटल राइट को छीन लेंगे हम, फंडामेंटल राइट को निर्बंधित कर देंगे हम। और ये शक्ति है पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट की क्या शक्ति है? पार्लियामेंट की शक्ति है कि कानून बनाकर मौलिक अधिकारों को छीन लेंगे या कम कर देंगे, यानी मौलिक अधिकार के रूप को परिवर्तित करने की शक्ति किसकी है? पार्लियामेंट की है। किसकी है? पार्लियामेंट की है। पार्लियामेंट की क्या है शक्ति? पार्लियामेंट की शक्ति है मूलाधिकारों के रूपों को परिवर्तित करने की शक्ति है। ये पार्लियामेंट्री पावर हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल 33 में। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पार्लियामेंट्री पावर पढ़ रहे हैं, संसदीय शक्ति पढ़ रहे हैं। ये संसदीय शक्ति है भाई, इसमें राज्य विधानमंडल को कोई शक्ति नहीं है।
राज्य विधानमंडल को इसमें कोई शक्ति नहीं है। अब चलते हैं, ये देखिए ये मेंबर कौन है, कहां के मेंबर है साहब, ये आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर है, सशस्त्र बल के सदस्य हैं, आर्म्ड फोर्सेस याद रखिएगा, आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर हैं ये। ये देखिए साहब ये कौन मेंबर है, ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले फोर्स है, ये वैसे सदस्य हैं लोक व्यवस्था के सशस्त्र बल के, वैसे सदस्य हैं आर्म्ड फोर्सेस के वैसे सदस्य हैं जो लोक व्यवस्था को मेंटेन करके रखते हैं, ये शांति बनाए रखने वाले लोग हैं भाई, हाँ लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले लोग हैं। और ये देखिए ये इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, ये इंटेलिजेंस कहिए या काउंटर इंटेलिजेंस कहिए माने खुफिया और प्रतिखुफिया संगठन या ब्यूरो में नियोजित व्यक्ति है, ये ब्यूरो में नियोजित व्यक्ति है, खुफिया में नियोजित व्यक्ति है। अब ये बताइए किसी भी विभाग में खुफिया का जो सदस्य है, खुफिया का जो सरकार का खुफिया विभाग है जो सूचना इकट्ठा करता है, खुफिया विभाग को वाक्य व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दो और सरकार का जो कुछ भी पता करे वो जाके अलबल बोलते रहे, तो कौन काम के खुफिया विभाग है, उसकी किस काम का इंटेलिजेंस है, सरकार के सब प्राइवेट बात को वाक्य व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में रख दे, यहाँ से वहां पटक दे, तो ये खुफिया विभाग है, ये खुफिया विभाग है कि ये अनाउंसमेंट विभाग है सरकार का, तो खुफिया विभाग को पार्लियामेंट लॉ बनाएगा और लॉ बना करके उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, यस कर देगा, ये खुफिया विभाग का सदस्य सब है, प्रतिखुफिया है, नियोजित व्यक्ति है, या इस सब में इसके 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 कम्युनिकेशन सिस्टम में लगे हुए लोग हैं, इसके 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 कम्युनिकेशन सिस्टम में लगे हुए लोग हैं, इसमें जुड़े सूचना तंत्र में नियोजित व्यक्ति हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द एवब, ये लोग हैं। अब ये लोग, इन लोगों पर ये लोग अपने ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं, ड्यूली परफॉर्म करते हैं, सम्यक रूप से परफॉर्म करते हैं, तो इनके कर्तव्यों का निर्वाहन तथा डिसिप्लिन अनुशासन, जो उनका ड्यूटी मिला हुआ है उसमें अनुशासन बनाए रखने के लिए, कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए इनके मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता, कम नहीं समाप्त कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, यस ये है आर्टिकल 33, आपने पढ़ा आर्टिकल 33, अभी आर्टिकल 33। और अच्छा एक और बात कल पढ़ रहे थे आर्टिकल 358 के बारे में, तो जो लोग 358 पर अब देख लिए होंगे वीडियो तो ठीक है, उस पर भी लेकिन मैं लाइव स्ट्रीमिंग चलाऊंगा, मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। ये देखिए 358 में क्या कहता है, कहता है वार और क्या कहता है एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर वार के आधार पर, एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर अगर प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी की उद्घोषणा अनुच्छेद 352(1) के तहत की जाती है तो ये अधिकार अपने आप सस्पेंड हो जाता है। दूसरा एक और बात पढ़े थे आर्टिकल 19 का पूरा लिस्ट आपने देखा है, आपको याद भी हो गया होगा, लेकिन एक चीज मैं थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूं कि 1 के 8 में राइट ऑफ प्रॉपर्टी था, और ये राइट ऑफ प्रॉपर्टी में कौन कौन सा अधिकार था, तो प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का अधिकार था, प्रॉपर्टी को होल्ड करने का अधिकार था, प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने का अधिकार था, लेकिन इस अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाकर आपने कहा था कि सर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1F को हटा दिया गया और भाग 12 में, और आपको ये भी याद है कि 20/6/1979 से ये इन्फोर्समेंट में है, और इसको कहां रखा गया है, तो भाग 12 में, भाग 12 में चैप्टर 4 है, आर्टिकल 300A बना दिया गया, 300A संपत्ति के अधिकार को वहां रख के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है। और एक और बात आपने पढ़ा था कि राइट सर सिर्फ सिटीजन को प्राप्त है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आर्टिकल 19 पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 19 का राइट सिर्फ सिटीजन को प्राप्त है।
चलिए एडवोकेट आशुतोष रंजन जी हैं, नेहा चौधरी हैं, नफीजा अली है, वेरी गुड, आर एस उज्जैन है, संजय संजय है, राहुल राणा है, खुशबू कुमारी है, सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को भगवान स्वस्थ रखे, सुंदर रखे और बिहार न्यायिक सेवा में आने का अवसर प्रदान करे। आप सभी लोग न्यायिक सेवा में आकर न्यायिक सेवा को एंजॉय कीजिएगा, तैयारी कीजिए, इसके लिए हम आपके साथ हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में आपने अभी आर्टिकल 33 को देखा, आर्टिकल 19 का राइट किसको प्राप्त है देखा, आर्टिकल 358 के कारण आर्टिकल 19 के राइट किस प्रकार सस्पेंड होते हैं उसको देखा, 19(1) एक्ट को देखा और 44th अमेंडमेंट एक्ट को आपने अभी देखा कि किस प्रकार 19(1) एक्ट में जो राइट थे उसको यहां से हटाकर 300A में ले जाया गया है और राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है फंडामेंटल राइट से हटाकर। अब आगे हम लोग देखते हैं जो डायग्राम हम लोग कल देखे थे वो 19(1) से लेकर आपने देखा था 1A, B, C, D, E, G सब देखा था आपने, उसके साथ 2 से लेकर 5 तक में जो रिस्ट्रिक्शंस थे उस रिस्ट्रिक्शंस को भी आपने देखा था। अभी उसी को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे इस सेशन में, हम लोग इस उसी को विस्तार करेंगे ताकि अगर मेंस का एग्जामिनेशन लिखना हो या आप एडवोकेट हैं, आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है, आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट में या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आपको रिट फाइल करना है, किसी के राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन हुआ है, तो क्या क्या वैसा होगा कि हम रिट फाइल कर सकते हैं, वैसा क्या क्या होगा कि हम रिट फाइल कर सकते हैं और उसको ये इस राइट को हम सिक्योर करा सकते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा आज के सेशन में करने वाले हैं। या फिर सिविल जज के मुख्य परीक्षा में या पीसीएस के किसी भी मुख्य परीक्षा में मेंस एग्जामिनेशन में आपको उत्तर लिखना हो तो किस किस पॉइंट को कितना कितना लिखोगे कि आपका उत्तर एक आदर्श उत्तर हो जाएगा और आप अच्छे अंक पा सकते हो, इस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो आर्टिकल 19 के 1 के ए में है। आर्टिकल 19(1)(a) आर्टिकल 19(1)(a) पर चर्चा करेंगे और आपको इतना तो याद होगा कि इस पर जो रिस्ट्रिक्शन है वो 19(2) पे है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या बताइएगा कि आर्टिकल 19(1)(a) में जो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो स्वतंत्रता राइट क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी 19(1)(a) में किया गया है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया यह अधिकार अनुच्छेद 33 के अधीन है, अनुच्छेद 33 आपने अभी सीख लिया है, यह अधिकार अनुच्छेद 33 के अधीन है, एक बात आपका पूरा होता है। दूसरा बात में आ जाइए कि आर्टिकल 19(1)(a) के तहत कोई भी विधिक व्यक्ति, जैसे विधिक व्यक्ति किसको कहते हैं भाई, लीगल पर्सन आपका पढ़ा हुआ है, कोई कंपनी है, कोई कॉर्पोरेशन है, तो क्या कोई निगम या कोई कंपनी आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट का दावा कर सकता है, कहना नहीं 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 कर सकता है, सिंपल ये प्रश्न पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा में। तो ये दूसरा पॉइंट में ये लिख देना कि आर्टिकल 19(1) के तहत कोई भी कंपनी या कॉर्पोरेशन फंडामेंटल राइट का दावा नहीं कर सकता है। तो क्या कंपनी के शेयर होल्डर दावा कर सकते हैं कि नहीं, दो चीज होती है, लीगल पर्सन की बात कर रहे हो तो कह रहे हो कंपनी या कॉर्पोरेशन, इसके बारे में कह रहे हो ये दावा नहीं कर सकता है, और मैं कह रहा हूं कंपनी का कोई शेयर होल्डर है, आजकल सुनते होंगे कि शेयर बहुत गिर रहा है, तो क्या कंपनी का कोई शेयर होल्डर अंशधारी इसका दावा कर सकता है, यस, याद रखना कंपनी दावा नहीं करेगी, कॉर्पोरेशन दावा नहीं करेगा, लेकिन उसका शेयर होल्डर दावा कर सकता है। अच्छा चलो अब ये दूसरा बात लिख देना, फिर तीसरी बात पर आना रिस्ट्रिक्शन पर कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 19(2) में
जो आधार दिए गए हैं उस आधार पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, और उस ग्राउंड को लिख देना। क्या लिखोगे? भारत की संप्रभुता है, अखंडता है, राज्य की सुरक्षा है, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध है, आपको तो याद हो गया होगा, लोक व्यवस्था है, नैतिकता है, शालीनता है, उसके बाद न्यायालय की अवमानना है, मानहानि है और अपराध का उद्दीपन है। चलिए, ये इस आधार पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अब दूसरा बात फिर बता देना, अगली बात, चौथी बात कि देखो भैया, राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को किस आधार पर लगाएगा रिस्ट्रिक्शन को। मान लीजिए आप रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिएगा, तो आप वकील है या जज है, तो किस आधार पर ऑनरेबल कोर्ट में चुनौती दे सकते हो? तो एक ग्राउंड आपने पढ़ा है, रीजनेबल नहीं है, मैंने जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है वो रीजनेबल नहीं है। दूसरा, ऐसे आधार पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मान्य नहीं है, बस ये, बाकी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आरोपित निर्बंधनों को, जो निर्बंधन लगाए गए हैं उसको दो आधारों पर आप चुनौती दे सकते हैं। अब दूसरा चीज सबसे पहले बताओ, एक तो आप चैलेंज करने की बात कर दिए कि रिस्ट्रिक्शन लगाए हो तो हम चैलेंज करेंगे, तो किस ग्राउंड पर करेंगे? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात अब लिख दो पांचवे पॉइंट में, मीनिंग ऑफ द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अर्थ क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, अर्थ बताओ भाई। देखो, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब हो गया अपने विचारों को, अपने रिकॉग्निशन को, अपने थॉट को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता। अब जैसे कोई कहेगा कि कोरोना महामारी का कारण भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं, वो अगर जनवरी फरवरी में ही विदेश से आने वाले एविएशन को बंद कर दिए होते तो शायद कोरोना महामारी भारत में नहीं आती। इस पर कोई तर्क देना है तो तर्क दो, तर्क देना है तर्क दो। कहते कि भैया बिहार प्रदेश में कोरोना का कहर नहीं था, लेकिन बाहर के जो लोग आए वो उसको कम्युनिटी स्प्रेड कर दिए, तर्क देना है तर्क दो। ये तो अपनी अपनी मान्यताओं को प्रचार करो, अपनी अभिव्यक्ति की प्रचार करो, अपने अभिव्यक्ति को, अपने विचारों को, अपनी मान्यताओं को आपको प्रचार करने का, अभिव्यक्त करने का स्वतंत्रता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यही अर्थ होता है। और दूसरा, दूसरे के विचारों से भी अवगत हो जाओ, दूसरों के विचारों से भी अवगत होने तथा उसे प्रसारित करने की स्वतंत्रता है। मैं अपना विचार अभिव्यक्त कर रहा हूं, मैं अपनी मान्यताओं को अभिव्यक्त कर रहा हूं, मैं किसी दूसरे के विचारों से अवगत होता हूं, मैं उस दूसरे के विचारों को फैला रहा हूं, प्रसारित कर रहा हूं, इसकी स्वतंत्रता है। यही वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यही अर्थ होता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। तो आखिर अगर ये मीनिंग है तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उद्देश्य क्या है? तो हाँ, अर्थ जब जाने तो इसके ऑब्जेक्ट को भी जान, उद्देश्य को जान। इसका उद्देश्य होता है ज्ञानार्जन करना। आज मैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग कर रहा हूं तभी आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उद्देश्य है सत्य का अन्वेषण करना। इसका ऑब्जेक्ट हो गया ज्ञानार्जन। दूसरा है वाक एवं अभिव्यक्ति का उद्देश्य है स्वतंत्रता का सत्य का अन्वेषण करना, और आत्मसंतुष्टि इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट होता है। बहुत आदमी को बोलने की आदत हो जाएगी, तो जब तक बोलेगा नहीं। अब जैसे मुझे पढ़ाने की आदत है, लॉकडाउन हो गई, बोलने की आदत थी, जो आता था उसको थोड़ा बहुत समझा ही देते थे। मैं प्रैक्टिस करने जाता हूं तो मेरा क्लाइंट भी कानून, जो उसका केस होता है उससे रिलेटेड लॉ से वो परिचित होते हैं, उसको सारा कानून में पता हो जाता है, सीख लेते हैं। क्या है कि ये आदत भी होती है, वो सब तो बात छोड़ दो, अगर घर में महिलाओं की आदत हो जाए बोलने की, वो जब तक अपनी बातों को 15-20 लोगों से ना सुना दे, आसपास के लोगों से या नातेदार रिश्तेदार, तब तो फोन हो गया, फोन पर भी जबरदस्ती सुनाने की आदत होती है, ना सुनाए तब तक उनकी आत्मसंतुष्टि ना होती है।
ना सुना है तो पता चला कल होकर एक केस, माने कुछ केसेस क्लाइंट के बीच में हस्बैंड वाइफ का ही चलाएगा, सास पुतों का चलाएगा, ससुर बेटा का आ जाएगा, ये ही होता है। तो ये सुनना, ये जो सुनाने की परंपरा है, वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता है, इससे क्या होता है, वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता से आत्मसंतुष्टि होती है। तो इसका उद्देश्य है आत्मसंतुष्टि, सत्य का अन्वेषण, ज्ञानार्जन, ये इसका उद्देश्य है। और सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है, लोकमत के निर्माण में सहायक होना। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ना रहे तो लोकमत नहीं हो सकता है, पब्लिक एक मत पर नहीं आ सकती, इसलिए लोकमत के लिए ये जरूरी है। और दूसरा, लोकमत के साथ साथ निर्णय प्रक्रिया में भी ये भागीदारी होती है, इसकी भागीदारी होती है निर्णय प्रक्रिया में भी, निर्णय प्रक्रिया में भी वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता की भागीदारी होती है। और सामूहिक परिवर्तन भी होता है। आज अगर बाप वाक्य एवं और व्यक्ति की स्वतंत्रता न होता तो बताओ ना हाथ कैसे धोते, हर 20 मिनट पर साबुन से हाथ धोना, हैंड वॉश करना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, मास्क लगाना, देखते हो जो जहां मिल जाए आज के समय में तो प्रवचन ही करता है। मैं अभी कोचिंग से बाहर निकलूं तो अगर कोई भेंट हो जाए, भले ही वो खुद मास्क न लगाया हो, लेकिन मुझे जरूर टोक कर बोलेगा सर मास्क लगा के निकलिएगा दुनिया। अब बताओ ना यहाँ कोई विद्यार्थी आता, ना कोई आता, फिर भी बोलेगा मास्क लगा के, खुद नहीं लगाएगा, खुद एक 5 रुपए का रुमाल बांधेगा, दूसरे को समझाएगा, ये व्हाट इज दिस। ये भी जन जागरण को फैलाने के लिए वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी होती है। और सामूहिक परिवर्तन के लिए, जन जागरण में सहयोग के लिए, जन जागरण में सहयोग के लिए भी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य है। जन जागरण के लिए वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य है। जन जागरण के लिए, सामूहिक प्रचार प्रसार के लिए, सामूहिक परिवर्तन के लिए, किसी गलत आदत को छुड़ाना है, सामूहिक परिवर्तन कराना है, उसके लिए भी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य है। ये वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ऑब्जेक्ट है। तो अर्थ लिख दो, फिर ऑब्जेक्ट लिख दो, फिर उसी में उपभोग का ढंग भी बता दो। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपभोग कैसे करेंगे भाई, कैसे आत्मसंतुष्टि मिलेगी, कैसे जन जागरण फैलेगा, कैसे निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बनोगे, इसका एक तरीका बताओ, उपभोग करने का ढंग बताओ, मोड बताओ, उपभोग करने का ढंग बताओ वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। तो सबसे बड़ा उपभोग का ढंग तो है भैया मौखिक, बोलो, जितना बोलना बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। अच्छा एक बात है, ये YouTube लाइव क्लास में बोलने का नहीं है, नहीं तो भाई समझ सकते हैं ला सीखने वाले लोग, वो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते, बोलते ही रहते, लेकिन इसमें बोलने का नहीं है। मेरे प्ले स्टोर पर जो बारद्वाज जुडिशियल क्लासेस का ऐप है, जिसपे मैं अभी क्लासेस ले रहा हूँ, उसमें है कि बच्चे सामने से बोलते भी हैं, लेकिन उसमें एक खासियत है, परमिशन देंगे, उनका स्वीकार करेंगे, जब वो हाथ उठाएंगे स्वीकारेंगे तभी वो बोलते हैं, एक ये बात हुई। और ये जब शुरू में कुछ दिन तक जूम पर स्टार्ट किया था, तो जूम पर स्टार्ट किया था तो उसमें बहुत सारे लोग होते, सब एक ही बार में बोल लेते थे, मुझे नहीं आता था, एक ही बार में बोलने लगते थे, हल्ला होने लगता था। खैर चलिए, ये तो बात की बातें हैं। उपभोग का ढंग, वो भी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ढंग था, अभी उपभोग का ढंग है मौखिक, मौखिक अभिव्यक्ति। एक तो हो गया मौखिक ओरल, मौखिक। दूसरा वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ढंग लेखन भी होता है, लेखन, जो लेख सकते हैं, लेखन द्वारा भी अभिव्यक्ति जो होती है वो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही ढंग है। कोई पुस्तक प्रिंटिंग होती है तो ये प्रिंटिंग भी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है, प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन। कोई बुक छपाता है, कोई नोट छपाता है, कोई अपना एसे लिखकर छपाता है, कोई अपना विचार छपाता है, वो सब सही है। चाहे विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी है, अभी क्या चल रहा है बताओ, विजुअल रिप्रेजेंटेशन चल रहा है, आप स्क्रीन पर क्या देख रहे हो, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यह भी है। या कोई आओ भाव, मैं कहता हूँ बोल दूंगा, आओ भाव भी वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ढंग है, साइन वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ढंग है। कोई व्यंग चित्र बनाता है, कोई पुतला बना के फूकता है, कोई उपहासांकन बनाता है, देखते होइएगा अखबार में, इधर कुछ दिन पहले हमने देखा था कि किसी का था ये पुतला वगैरह, आव भाव व्यंग बनाए हुए था, व्यंग पर कमेंट कुछ फेसबुक पर देख रहे थे। तो देखो ये सब वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है, हाँ, हाव भाव, संकेत, व्यंग चित्र,
ये सब पुतला उपहासांकन ये सब वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता के उपभोग का ढंग है भाई, उपभोग का ढंग है, हाँ उपभोग का ढंग है। चलो अब हम लोगों ने सीख लिया है अब इस पर वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता में कितना पॉइंट हो गया इसको लेते हुए चलना। सबसे पहले तो दिए आपकी 19(1)(a) में है सर, 19(2) में रिस्ट्रिक्शन है, उसके बाद दिए कि ये जो अधिकार है वो 33 के अधीन है, उसके बाद आपने देखा कि लीगल पर्सन कंपनी कॉर्पोरेशन ये सब क्लेम नहीं कर सकता है, शेयर होल्डर क्लेम कर सकता है, इसको चुनौती दो आधारों पर दी जा सकती है, फिर देखे इसके अर्थ को, फिर देखे उद्देश्य को, फिर देखे उपभोग के ढंग को। अब हम लोग इसके स्कोप को देखेंगे, इसका स्कोप देखेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्टिमेशन चल रहा है, आप देखते जाइए और कंप्लीट कीजिएगा। अगर आप जनरल कॉन्सेप्ट के लिए भी, जनरल नॉलेज के लिए भी, समाज में जीने के लिए भी कुछ वैसे राइट है, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट तो भैया मैं कहता हूँ सबको जाना चाहिए, इसकी जानकारी के अभाव में बहुत शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। फंडामेंटल राइट तो सबको जाना चाहिए, एक एक लोगों को जाना चाहिए। अब चलते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का स्कोप क्या है, इसके स्कोप को देखेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक देखते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे विज्ञापन, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विज्ञापन पे, एडवर्टाइजमेंट पे। क्या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विज्ञापन शामिल है? विज्ञापन से मैं शुरू कर रहा हूं, क्या विज्ञापन शामिल है? विज्ञापन विचार को प्रचार करने में, प्रसार करने में, विज्ञापन विचार के दृष्टिकोण से विचार के प्रसार करने में सहायक होता है, लेकिन कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट जो होता है इसमें शामिल है, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट इसमें शामिल है और इसके तहत विचारों को आप आदान प्रदान करते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक केस आया था हमदर्द दवा खाना का, तो जैसे ही विज्ञापन शब्द आएगा आपके पास तो विज्ञापन में दो आपको केस लिखना पड़ेगा, एक हमदर्द दवा खाना का, हमदर्द दवा खाना का नाम बचपन से देखते होंगे, जब कभी ट्रेन उड़न से जाओगे तो देखोगे उल्टा पुल्टा प्रचार करेगा और स्टेशन किनारे वाले में पूरे पटरी के साइड साइड हमदर्द दवा खाना, उसका टॉपिक ऐसा रहता है कि बच्चा का भी दिमाग उस पर जाता है या मनोरोग कर देता है। मेरा ये व्यक्तिगत विचार है, ये हमदर्द दवा खाना का प्रचार देखो तो कितने को मेंटल डिजीज कर देता है यार। तो हमदर्द दवा खाना 1960 सुप्रीम कोर्ट का ये केस था और इसको अमान्य कर दिया गया और टाटा प्रेस लिमिटेड 1995 का मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विज्ञापन जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। विज्ञापन में आपने दो मामला पढ़ा, एक विज्ञापन का केस पढ़ा हमदर्द दवा खाना, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। लेकिन दूसरा केस आपने पढ़ा टाटा प्रेस लिमिटेड का, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट भी शामिल है। अब दूसरा है, दूसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं, इसके स्कोप को पढ़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन। क्या धरना करना, प्रदर्शन करना वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है? कैसा धरना प्रदर्शन करते हो भैया बताओ? धरना प्रदर्शन का मतलब होता है अहिंसक, जैसा कि तुम पढ़े थे याद होगा भाई, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। तो अहिंसक और व्यवस्थित हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अहिंसक धरना प्रदर्शन, व्यवस्थित धरना प्रदर्शन वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। लेकिन आप इसी में हड़ताल पर चले जाते हो, हड़ताल कर देते हो, आप कर्मचारी हो, आप मेडिकल के स्टाफ हो, अभी देश कोरोना महामारी से गुजर रहा है, हड़ताल कर देते हो। हड़ताल पर जाना फंडामेंटल राइट नहीं,
हड़ताल पर जाना वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। ये राधे श्याम का केस है भैया, राधे श्याम वर्सेस पोस्टमास्टर जनरल, राधे श्याम बनाम पोस्टमास्टर जनरल, पोस्टमास्टर जनरल का केस है, राधे श्याम वर्सेस पोस्टमास्टर जनरल। इसमें इस केस में राधे श्याम के केस में कहा गया था कि भाई हड़ताल तुम्हारा नो फंडामेंटल राइट, लेकिन धरना प्रदर्शन जो है, धरना प्रदर्शन आर्टिकल 19 के तहत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। कामेश्वर सिंह का केस है, कामेश्वर सिंह जी पढ़ोगे तो उसमें ये भी बात आई है। कामेश्वर सिंह बिहार के थे, कामेश्वर सिंह आप जानते होंगे, दरभंगा महाराज का नाम कामेश्वर सिंह था। तो कामेश्वर सिंह का जो मामला है उसमें भी कहा गया था कि धरना प्रदर्शन वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। ये 1972 का मामला है भाई, 1972 सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ये 1965 का मामला है सुप्रीम कोर्ट का। तो इसमें कहा गया था कामेश्वर सिंह के केस में भी और पोस्टमास्टर राधे श्याम बनाम पोस्टमास्टर जनरल के केस में कि हड़ताल वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, लेकिन लेकिन अगर शांतिपूर्वक अहिंसक और व्यवस्थित धरना प्रदर्शन करते हो वो शामिल है। अब देखो दूसरा बात है बंद का आयोजन करना, भारत बंद करो, बंद का आयोजन। आजकल खूब बंदी, कुछ दिन पहले देखे होंगे बंदी खूब चला था, कभी चलता था भीम सेना का, कभी सवर्ण सेना का, कभी कोई सेना के, कभी कोई सेना के, खूब चलता था ये कौन एनआरसी एआरसी जो भी आया था सरकार का, उस पर बंद का आयोजन खूब होता था। भारत बंद करो तो बिहार बंद करो तो ट्रेन बंद करो, ये क्या बंद का आयोजन वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है? नो, नहीं। बंद का आयोजन वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, नहीं है। बंद का आयोजन इलीगल है, अवैध है, ये कभी फंडामेंटल राइट हो ही नहीं सकता, फंडामेंटल राइट कभी अवैध हो ही नहीं सकता। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बना, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वर्सेस भरत कुमार एंड अदर्स वर्सेस भरत कुमार एंड अदर्स के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में कहा था कि बंद का आयोजन करना बिल्कुल अवैध है, बंद का आयोजन करना बिल्कुल अवैध है, धरना प्रदर्शन एंड स्ट्राइक में अंतर, यस बता रहा हूं, बंद का आयोजन करना बिल्कुल अवैध है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वर्सेस भरत कुमार एंड अदर्स, देखिए क्वेश्चन है आपका कि धरना प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन में और स्ट्राइक में क्या अंतर है, हड़ताल में क्या अंतर है, अंतर है। धरना प्रदर्शन का मतलब हुआ कि भारत का कोई भी व्यक्ति जाके कहीं धरना स्थल पर धरना पर बैठ जाता है शांतिपूर्वक कि हमारा ये मांग है, उसके लिए सरकार के खिलाफ धरना पर बैठ जाता है, हमारा मांग की पूर्ति करो। जैसे ये केजरीवाल जी के गुरु अन्ना जी बैठते थे धरना प्रदर्शन पर दिल्ली में, वो उनका बिल्कुल धरना प्रदर्शन व्यवस्थित होता था, शांतिपूर्वक होता था, वो धरना हुआ। और स्ट्राइक का मतलब हुआ जब हम काम पर जाए नहीं करेंगे, हम एम्प्लॉय हैं मैं काम पर नहीं जाऊंगा, मैं डॉक्टर हूं मैं काम पर नहीं जाऊंगा, मैं शिक्षक हूं मैं काम पर नहीं जाऊंगा, ये हो गया हड़ताल करना, स्ट्राइक, हड़ताल कर देंगे, ये अंतर है। आप आशा करता हूं संतुष्ट हो गए होंगे। बंद का आयोजन हम लोग कर रहे थे, अब बंद के आयोजन के बाद एक बात बताइए कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी ज्योग्राफिकल एरिया में भौगोलिक सीमा में बांध कर रखना, किसी को कहना कि तुम देश छोड़कर नहीं जा सकते हो, तुम फलाने जगह ही रहो, तो क्या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भौगोलिक सीमा में बांधना उचित है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है हमको, अब तुम क्या कर रहे हो कि आपको दिल्ली में ही सिर्फ बोलना है, दिल्ली के अलावा कहीं बोलना ही नहीं, बिहार में नहीं बोलना, उत्तर प्रदेश में नहीं बोलना है, अमेरिका में जाकर नहीं बोलना, पाकिस्तान में नहीं बोलना, अफगानिस्तान में नहीं बोलना, ये कौन मतलब है भाई, ये क्या मतलब है, हैं? देश में बोलेंगे विदेश में नहीं, चुप्पी मुंह सिल के रखेंगे विदेश में नहीं। मेनका गांधी के साथ यही हुआ था, मेनका गांधी का नाम आप लोग जानते ही होंगे, गांधी परिवार से बिलोंग करते हैं और मेनका गांधी पर बड़ा रिस्ट्रिक्शन लगता था, उसको कभी कह दिया जाता विदेश में मत बोलो,
इन पर विदेश में बोलने पर रोक लगा दिया गया था। कहा गया था कि वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग विदेश में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, करेगी। वाक एवं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का प्रयोग एक्सरसाइज भारत के भीतर और भारत के बाहर भी कर सकते हैं। ये केस कौन है? मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये है मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1978 सुप्रीम कोर्ट। अच्छा एक बात बताओ, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में हम मौन रह जाएंगे, चुप हैं, तो क्या ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है? आपको याद नहीं है क्या बिजोई इमैनुअल का केस राष्ट्रगान से संबंधित है? बिजोई इमैनुअल, बिजोई इमोनियल का केस। इस केस में स्टेट ऑफ केरला 1986 का केस है, 1986 सुप्रीम कोर्ट का केस है, केरला राज्य का केस है ये। इसमें कहा गया था कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मौन रहना भी शामिल है, मौन रहना भी शामिल है, मौन रहना भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। इसमें तीन गो क्रिश्चियन बच्चा था, कहानी है वैसे बुक में पढ़ लीजिएगा, वैसे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। तीन क्रिश्चियन बच्चा था और वो प्रार्थना सभा में, जो स्कूल जाते हो प्रार्थना होता है, पहले बचपन को याद करो, हम लोग भी स्कूल में जाते थे तो प्रार्थना होता था, तो प्रार्थना सभा में वो क्रिश्चियन बच्चा आया और खड़ा हो गया, मौन रह गया। इसी पर वहाँ के स्कूल के जो इंचार्ज थे उसको निकाल दिए कि ये राष्ट्रीय गान नहीं गा रहा है, इसको निकाल देते हैं। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में मौन रहने की भी बात कही गई है और मौन भी रह के भी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज एक्सरसाइज किया जा सकता है। यस दैट्स ऑल। अच्छा एक बात बताइए, हुआ क्या था कि जो सिनेमा आया था, सिनेमा को सेंसर लगा दिया गया, सेंसर समझते हुएगा एक सेंसर बोर्ड है, और कहा गया था कि सेंसर का सर्टिफिकेट आपको लेना होगा तभी सिनेमा चला पाइएगा, नहीं तो सिनेमा नहीं चला पाइएगा। तो क्या ये राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन है? क्या ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है? क्या फिल्म को यू एंड ए श्रेणी में बांट देना, फिल्म को यू तथा ए या सेंसर लगा देना, क्या ये उचित है? ये रीजनेबल सेंसर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, क्या युक्तियुक्त निर्बंधन है? तो है, क्यों है? अरे भाई आप जानते नहीं हो, फिल्म जो होता है, फिल्म दृश्य भी होता है, देखा भी जाता है और सुना भी हो जाता है। फिल्म को आप देखते भी हो और सुनते भी हो, ये श्रव्य भी है। जब सिनेमा को आप देखते भी हो और सुनते भी हो तो इस कारण ये एक भिन्न वर्ग निर्मित करता है, एक अलग क्लास निर्मित करता है, फिल्म एक अलग क्लास निर्मित करता है। तो अगर इस पर भिन्न वर्ग निर्मित करता है, अगर हम सेंसर लगा ही दिए तो ये सेंसर लगाना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। और फिल्म को यदि यू एंड ए दो कैटेगरी में बांट दिए, एडल्ट के लिए अलग है, सबके लिए अलग है, बांट भी दिए, ये भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। ये के ए अब्बास 1971 का केस है, के ए अब्बास 1971 सुप्रीम कोर्ट का केस है। और इस पर एक और केस है, बॉबी आर्ट इंटरनेशनल बनाम ओमपाल सिंह हुन 1996 का केस है, बॉबी आर्ट इंटरनेशनल आर्ट का यहाँ मतलब कला से है, बॉबी आर्ट इंटरनेशनल का केस है वर्सेस ओमपाल सिंह के केस में 1996 सुप्रीम कोर्ट के केस में भी कहा गया था कि फिल्म को दो भागों में अगर बांट देता है, चूंकि ये दृश्य है श्रव्य है इसलिए अलग वर्ग निर्मित करता है, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के में शामिल है। अब चलते हैं दूसरी ओर, एक बात बताइए कि अगर कोई व्यक्ति पत्रकारिता पर ले लीजिए, अगर कोई छायांकन है या सजीव छायांकन है, ये सब पत्रकारिता में ही शामिल है, फोटो खींचते हो, अखबार में लिखते हो, या वीडियो बना के डालते हो, या लाइव टेलीकास्ट करते हो, न्यूज को दिखाते हो, वो सब पत्रकारिता में ही शामिल है। तो क्या जेल में जाकर कारावासियों से संवाद करना तथा उनका इंटरव्यू लेना, लेने से रोकना, क्या संवैधानिक है या असंवैधानिक है?
ये इस पर आप केस देखिएगा, इम हुसैन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस है। इम हसन का केस देखिए, इम हसन का केस है। दूसरा स्टेट वर्सेस चारुलता जोशी का केस है, चारुलता जोशी। इस केस में कहा गया, एम हसन की बात कर रहे हैं, एम हसन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में कहा गया, एम हसन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में कहा गया था कि भाई ये पत्रकारिता है, छायांकन या सजीव छायांकन, अगर कारावासियों को संवाद करने और साक्षात्कार करने से रोकते हैं तो यह अनकंस्टिट्यूशनल होगा। लेकिन स्टेट वर्सेस चारुलता जोशी के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 1999 का ये मामला है, ये 99 का मामला है और ये 88 का मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इंटरव्यू देने से जेल अथॉरिटी अगर रोकते हैं तो रोका जा सकता है, इनको अनुमति लेना पड़ेगा। और अनुमति लेने से पहले अथॉरिटी ये देखेगा कि क्या साक्षात्कार इंटरव्यू लेने का पत्रकार को राइट है, क्या हैव यू राइट, आप पत्रकार हैं, आपको राइट है इंटरव्यू लेने की शक्ति है। और दूसरा देखेगा कि क्या जो जेल अथॉरिटी है, जेल अथॉरिटी को उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की शक्ति है, क्या लोकहित में रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अगर किसी कैदी का, कारावासी का इंटरव्यू लेना लोकहित में नहीं है तो उस पर इंटरव्यू लगाया जा, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। इस प्रकार आप देखिए, इम हसन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश 1988 सुप्रीम कोर्ट का मामला, दूसरा स्टेट वर्सेस चारुलता जोशी 1999 और सुप्रीम कोर्ट का मामला, इसमें कहा गया कि नहीं अनकंस्टिट्यूशनल होगा, रोक नहीं लगाइए। इसमें कहा कि रोक लगा सकते हैं अगर पब्लिक इंटरेस्ट में आपके अथॉरिटी नहीं, आपका राइट ही नहीं है। दूसरा एक और केस देखिएगा, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, एक केस है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री सचिव मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के केस में वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल 1995 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में कहा गया था कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक संचार तंत्र होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक संचार तंत्र वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक संचार तंत्र, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। और टेलीफोन का टेप ये शामिल है, इसलिए इस अधिकार को किसी भौगोलिक सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार इस पर एकाधिकार का दावा नहीं कर सकती है कि आप इस चीज को सिर्फ यही बंगाल में ही दिखाई, कोई न्यूज है, कोई बात है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई एक्ट हो रही है या कोई फंक्शन हो रहा है, उसको आप कहिए क्रिकेट हो रहा है, इसको आप सिर्फ यही दिखाइए, सर सिर्फ यही दिखाइए, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। आप उसको भौगोलिक सीमा में नहीं बांध सकते हैं, भौगोलिक सीमाओं में आबद्ध नहीं कर सकते। ये केस है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन, दिख रहा है क्रिकेट एसोसिएशन का केस है, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि ये राइट है, ये भैया इलेक्ट्रॉनिक संचार तंत्र वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है और इसको भौगोलिक सीमाओं में आबद्ध ना कर सकते हो, ना कर सकते हो भाई। अब चलिए हम लोग इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी स्कोप ऑफ आर्टिकल 19 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग इतना सारा बात पढ़ रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि हम लोग जो टेलीफोन पर बात करते हैं, क्या टेलीफोन पर बात करना
आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्रता में शामिल है कि नहीं, वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है कि नहीं है। तो क्या जो टेलीफोन पर बात करते हैं वो टेलीग्राम एक्ट 1885 की धारा 5 के तहत क्या उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, टेप किया जा सकता है? यस, पीपुल यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1994 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। टेलीफोन पर अगर बात करते हैं तो टेलीग्राम एक्ट की धारा 5 के तहत उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, किया जा सकता है। अच्छा एक बात बताइए, किसी भी फंडामेंटल राइट पर, किसी भी फंडामेंटल राइट पर अगर रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो रिस्ट्रिक्शन कैसे बनाइएगा? विधि बनाकर बनाइए, रिस्ट्रिक्शन लगाइएगा, एग्जिस्टिंग लॉ के तहत लगाइए। देखिए 19(2) में ग्राउंड दिए गए हैं, उस पर लॉ बनाना ही होगा आपको रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, या कोई एग्जिस्टिंग लॉ है उसके तहत आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग चलचित्र, भौगोलिक खोज, मौन रहना, तरह तरह का इसका स्कोप हम लोगों ने देखा है। अब हमको बताइए, आपके लिए आज का क्वेश्चन लास्ट में छोड़कर जाता हूं कि राइट टू नो, जानने का अधिकार क्या, राइट टू फ्रीडम, इसके लिए RTI एक्ट भी बना हुआ है, बहुत ज्यादा इसका दुरुपयोग भी हुआ है। बताइए राइट टू, ये जो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, क्या राइट टू नो इसमें शामिल है? अगर राइट टू नो शामिल है तो एसपी गुप्ता का केस बताइएगा वर्सेज इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड यूनियन ऑफ इंडिया 1985 का केस बताइएगा, एसपी गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस बताइएगा। क्या प्रसारण की स्वतंत्रता, ब्रॉडकास्टिंग की स्वतंत्रता इसमें शामिल है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में? तो इस पर रोमेश थापर का केस बताइएगा हमको वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस बताइएगा। क्या प्रेस की स्वतंत्रता राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में शामिल है? तो साकल पेपर्स लिमिटेड का केस बनाइए, प्रभु दत्त बनाम भारत संघ का केस बताइए। क्या मतदाता का अधिकार, सूचना का अधिकार, मतदाता के सूचना का अधिकार राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में शामिल है? ये बताइए हमको, मतदाता के सूचना का अधिकार जी शामिल है। मौन रहने का अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का, नवीन जिंदल का केस बताइए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल। ये सारे तमाम केसेज हैं जिसको आपको अगर आप लिखते हैं इसके स्कोप में, आर्टिकल 19 के स्कोप में, तो आपका एक आदर्श उत्तर हो जाता है। इस प्रकार जो भी जिस किसी भी केस का लिस्ट मैंने बताया, इस केस को आप देखिएगा और इस केस के साथ 19(1)A और 19(2) को अगर आप लिखते हैं तो आपका उत्तर सफिशियंट होगा। और फिर हम लोग अगले एपिसोड में जो मैंने केस बताया आपको, जो भी 15-20 केस हुए उस पर आपको चर्चा करना चाहिए था, और हम लोग फिर से इस स्ट्रीमिंग में जब आएंगे अगले स्ट्रीमिंग में इस पर चर्चा करेंगे, और तब फिर हम लोग आगे आर्टिकल 19(1)B पर चलेंगे और सी पर चलेंगे। मैं इस स्ट्रीमिंग में, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, इस स्ट्रीमिंग में कंटिन्यू मैं पूरी फंडामेंटल राइट को करूँगा, ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके लिए आपको PDF नोट्स की अगर जरूरत होगी वो भी आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा, जो प्ले स्टोर से आप भारद्वाज एजुकेशन क्लासेस को ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा तो वहाँ पर आपको डिफरेंट नोटिफिकेशन और मैसेज मिल जाएगा। और इसके अलावा भी अगर कुछ कोर्स करना चाहते हैं तो वहाँ पे स्टोर में आपको बहुत सारा कोर्स उपलब्ध है जिसको वहाँ से कर सकते हैं। और YouTube लाइव बिल्कुल फ्री लाइव है, सबके लिए है, आप भी जुड़िए, आप भी देखिए, और अगर कोई स्टूडेंट है उसको भी जोड़िए। इसी के साथ आप सभी को गुड नाइट। अगर कुछ पूछना है तो अभी कमेंट कर सकते हैं, जो पढ़ाई हुई है इसमें अगर कुछ पूछना है तो अभी लाइव चैट चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं कुछ पूछना है तो कोई बात नहीं, बाद में भी कमेंट कीजिएगा, मैं देखूंगा और आपका जवाब दूंगा।